नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर रेवाड़ी में अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन किए गए। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और कौसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को कायम करने का अथक प्रयास किया और हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नियम 134A के फैसले वाले सवाल पर कहा कि कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं और अगर वे जनहित में नहीं होते हैं तो उनमें फेरबदल भी किया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने प्रदेश में राइट टू एजुकेशन लागू न होने के सवाल पर कहा कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका, लेकिन सरकार इस पर प्रयासरत है। आज ही के दिन रेवाड़ी के लियो चौक का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि चौक रखा गया, जिसका शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती पर हम सब लोग उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारियों से अब सब आगे बढ़ रहे हैं और चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका, सभी संविधान के तहत काम कर रहे हैं और बाबा साहब ने जिन विपरीत परिस्थितियों में जो संविधान लिखा और जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो काबिले तारीफ है और उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को एक साथ रहने का जो संदेश दिया और उन्होंने जो कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो नारा ये जो उन्होंने दिया था एक मंत्र, ये किसी एक जाति या किसी विशेष धर्म के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से चाहे वो इंसान हो चाहे समाज हो सब आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब 134 का मामला ले अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से फुटफुट पर मना रही है क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश का एक भारत रत्न से भी बढ़कर मैं कहूँगा उनका एक स्थान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। संविधान का निर्माण करने में हम उनको संविधान निर्माता भी बोलते हैं, तो ऐसे महापुरुष की आज जो है जयंती मना रहे हैं तो निश्चित तौर पर धूमधाम से मनना चाहिए और आज ही के दिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने गुरु कमल के नाम से गुरुगावा में हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।